Good morning, students. Today's topic is reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, as we know, within these last 2 years, the whole world is facing the problems which are caused by this pandemic COVID-19. COVID-19 एक वायरस है और जो वायरस होता है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब इसमें आपने देखा डायग्राम है, ये कोरोना वायरस का डायग्राम है। ब्लू कलर के जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये कैप्सल्स के, और अंदर रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। कोरोना वायरस से, इस पेंडेमिक से सारे लोग बहुत डरे हुए हैं। किस अलग अलग इसके लिए टेस्ट हैं, एक जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो RT-PCR है, ये एंटीजन टेस्ट होता है और एंटीबॉडी टेस्ट भी है। ये एंटीजन टेस्ट है और 3 to 4 hours में इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इस बट एज यू द स्टूडेंट्स दे आर बिलोंगिंग टू द MSc PG है, तो मैं आपको पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR और RT-PCR में भी बताऊँगी। वेरी इंपॉर्टेंट जनरली ये क्वेश्चन है इसके, नेट, GRF, MSCs, IS, NRS इसमें आते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू इट। अब इसमें आपने देखा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है DNA का, DNA इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, और रेड, ऑरेंज, ब्लू कलर दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, शुगर्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं। सेकेंड में आपको दिख रहा है एक सिंगल बैंड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ये RNA का है। तो DNA है, DNA की क्या होता है कि हम कहते हैं रेप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन कहेंगे, तो बहुत सारी कॉपीज़ कर सकते हैं, लेकिन RNA है, DNA से हम RNA बनाते हैं। जब DNA से हम RNA बनाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बन रहा है। फिर ट्रांसलेशन से क्या होता है कि प्रोटीन बनती है, लेकिन RNA से DNA बनाना, इज़ इट पॉसिबल? तो RNA से DNA बनाने के लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेते हैं, और फिर RNA से DNA बनता है, दैट DNA इट इज़ कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री DNA, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहलाता है। अब जनरली क्या होता है कि हम देख, RT-PCR क्या है कि भाई RT-PCR एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, जेनेटिक स्टडी, और अलाउ करता है डिटेक्शन क्वान्टिफिकेशन ऑफ mRNA, और उस सेंसिटिव मेथड है, तो इट बिकॉज वेदर नॉट अ स्पेसिफिक जीन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन अ गिवन सैंपल, मतलब में RT-PCR है ना, इसको कंफर्म, कई बार क्या करते हैं हम कंफ्यूज जाते हैं qPCR से, RT-PCR है, इसमें हम जो DNA बन रहा है दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और फिर इस पर ना इसमें डाई डालकर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो जाएगा और डिटेक्ट कर लिया जाता है प्रॉप से। तो वॉट इज़ दिस, इट इज़ अ लेबॉरेटरी टेक मैथड जिसमें मल्टीपल कॉपीज हम जेनेटिक सीक्वेंस की बना सकते हैं। एनालिसिस के लिए एंजाइम जो यूज़ आती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, और पीस ऑफ RNA होता है इनटू मैचिंग पीस ऑफ DNA। तो अब ये जो पीस है DNA का, ये एम्प्लीफाइड होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA कॉपीज ये टेल करती है कि स्पेसिफिक mRNA मॉलिक्यूल है वो बना है। RT-PCR है ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, टू सर्टेन चेंजेस इन जीन और क्रोमोसोम, और फॉर एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स विच में हेल्प डायग्नोसिस ऑफ डिजीज सच एस, जैसे कैंसर है, HIV है, हेपेटाइटिस है, और दूसरी वायरल डिजीज है, ये इससे पता कर सकते हैं हम। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये कहलाता है। अब व्हाट इट इज प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है? तो RT-PCR का जो प्रिंसिपल है मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि हम RNA से DNA बना रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री DNA। दो स्टेप का होता है, एक मतलब इसके दो तरह के हैं, एक तो वन स्टेप अप्रोच है और एक दूसरी टू स्टेप अप्रोच है। तो अब जनरली हम जब देख रहे हैं कि जो वन स्टेप अप्रोच है उसमें क्या होगा कि वन स्टेप में RT-PCR में हम जो भी रिएक्शंस ले रहे हैं, कंपोनेंट्स ले रहे हैं ना, तो क्या होगा उसमें एक ट्यूब में ले लेंगे। ऑल दो वन स्टेप RT-PCR ऑफर्स सिंप्लिसिटी है एंड मिनिमाइज पॉसिबिलिटी फॉर कंटेमिनेशन, तो जो रिजल्टिंग cDNA है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए, है ना, फ्रॉम अ सिंगल RNA सैंपल। और RT-PCR में क्या होता है, हम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन भी करेंगे। तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए क्या होगा कि फर्स्ट मैं आपको मेन ही डिफरेंस बताती हूँ, ये क्वेश्चन MSCs में ही पूछा था, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RT-PCR एंड PCR।
तो पीसीआर तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है और आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो जब हम डीएनए से आरएनए बना रहे तो ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है। अब इसकी जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होती है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन से स्टेप हैं आप इस डायग्राम में देखिए। दैट इज शोन डीनेचुरेशन, जब बहुत हाई टेम्परेचर देंगे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ के सिंगल स्टैंडर्ड बना लेंगे। फिर एनीलिंग करते हैं, तो एनीलिंग में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को क्या अप है ना, पहले 95 पे हमने किया था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है डीनेचुरेशन के लिए। अब एनीलिंग क्योंकि प्राइमर करेंगे तो टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो 54 कर दिया। उसके बाद ना इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से वो लगाते रहेंगे तो एक खूब बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाए तो एक्सटेंशन हो जाएगा। तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में ऐसे होता है। लेकिन आरटीपीसीआर में क्या होगा, क्योंकि एमआरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं तो इसमें भी पॉलीमराइज करेंगे तो सी डीएनए बनेगा एम्प्लीफिकेशन से, और फिर इसको हम इसके अंदर केमिकल्स डाल के डाई डालकर डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें एक ही स्टेप हो रहा है, लेकिन जो आरटीपीसीआर का जो दूसरा स्टेप है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, उसमें मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। अब टाइप ऑफ आरटीपीसीआर कैसे बेसिस के हिसाब से कह सकते हैं कि एक स्टेप है मैंने बताया आपको और टू स्टेप है। तो वन स्टेप का एक्सप्लेन कर दिया, टू स्टेप में क्या होता है कि टू स्टेप जो आरटीपीसीआर है उसमें जो आरटीपीसीआर इन्वॉल्व करता है एमपीसीआर मतलब एम्प्लीफिकेशन होगी है ना। तो आरएनए पहले क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्राइब्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पहले डीएनए बनेगा, एंजाइम काम में आ रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर डीएनए की ना मल्टीपल कॉपीज बनेगी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से, और फिर उसमें क्या होगा कि फिर हम इसमें लाइसिस बफर डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, फिर उसका ताकि वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का, दैट इज़ डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पर, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो दीज आर प्राइमर्स, लेकिन ऐड करते हैं तो प्राइमर्स है ना, हम वन स्टेप और टू स्टेप में अंतर है। वन स्टेप में तो हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर करेंगे, लेकिन टू स्टेप में हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर तो काम में ले रहे हैं लेकिन हम रैंडम हेक्सामियर्स और ओलिगो डीएनटी प्राइमर्स हैं इसको भी काम में ले सकते हैं। तो इसलिए जो तो एक ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्राइमर, प्राइमर की कैटेगरी क्या है, एमएससी का क्वेश्चन। तो प्राइमर्स हैं तीन कैटेगरी हैं, ओलिगो डीटी प्राइमर्स है ना, जो कि स्पेसिफिक एनील होते हैं कि पॉली ए टेल्स फ्रॉम फाउंड ऑन मोस्ट यूकैरियोटिक एमआरएनए, एंड दिस टाइप ऑफ प्राइमर कैन बी यूज विद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में काम में आ सकते हैं, ओलिगो डीटी प्राइमर्स होते हैं। रैंडम जो प्राइमर्स होते हैं हेक्सामर्स हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि क्वालिटी के एनील करें, और जीन स्पेसिफिक हैं तो दे कैनॉट बी यूज इफ़ वी वॉन्ट टू प्राइमर सी डी एन ए सिंथेसिस इज फ्रॉम ऑल आर एन ए इन द सेल। तो मतलब सारे आर एन ए से होती है सिंथेसिस सेल में। तो अब जनरली हम ब्रीफ करें तो इसमें तो वन स्टेप और टू स्टेप में प्राइमर के अंदर तो यही है कि एक तो प्राइमर्स का हम डिफरेंट कर लेंगे, वन स्टेप आर टी पी सी आर और टू स्टेप आर टी पी सी आर में क्या अंतर है। तो टू वन स्टेप तो एक स्टेप में हो गया, एक ही टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। टू स्टेप आर टी पी सी आर है, जैसे नेम एम्प्लाई कर रहा है तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर पॉलीमराइजेशन होगी। तो ये मेथड बहुत सेंसिटिव है और इसके लिए हम किट्स भी काम में ले सकते हैं। हाई क्वालिटी आरएनए हम फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स हो सकता है, एंड द प्राइमर फॉर टू स्टेप डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफिक। तो प्राइमर जो होगा ना वो नहीं होगा। अब इसमें हम स्टेप वन जो था उसमें हमने टेम्पलेट आरएनए प्राइमर डीटीएनटी को मिक्स किया और न्यूक्लियर फ्री वाटर पीसीआर ट्यूब में, फिर उसमें हमने आरएनए इनहिबिटर्स लगाए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगाए टू द पीसीआर ट्यूब, फिर ट्यूब को हमने थर्मासाइक्लर में करा क्योंकि हमें कम से कम है ना 35 साइकिल्स करनी होती हैं और हर साइकिल पे हम सीटी वैल्यू को निकालते हैं। अगर सीटी वैल्यू कम आती है तो पेशेंट है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है, और अगर सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो वो लेस इन्फेक्टेड है। तो ये भी एक है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इसके अंदर। तो दिस क्वेश्चन है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन स्टेप आर टी पी सी आर एंड टू स्टेप आर टी पी सी आर, आर टी पी सी आर और पी सी आर में क्या अंतर है। अब इसके अलावा ये पूछते हैं कि इसमें हम जो कहते हैं डाइज हैं कौन से रिएजेंट्स काम में लेते हैं। तो वी यूज़ रिएजेंट्स दैट फ्लोरेसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पलीफाइड डी एन ए, जो चमक दें, जैसे इथीडियम ब्रोमाइड है या साइबर ग्रीन डाई है। तो ये दो रिएजेंट है, दे बाइंड टू डबल स्टैंडर्ड डी एन ए एंड इमिट लाइट वैन इल्यूमिनेटेड विद अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो साइबर ग्रीन जो डाई है फ्लोरेसेंस इज मोर ब्राइटर देन इथीडियम, ज़्यादा ब्राइट कलर देती है।
अब एप्लीकेशन क्या है आरटीपीसीआर की, कि भाई इसको हम डायग्नोसिस में डिजीज में काम में लेते हैं। जैसे हम पता कर सकते हैं म्यूटेशंस हो रही हैं जीन्स में, क्रोमोसोम्स के अंदर, बर्ड फ्लूज का डिटेक्शन हो सकता है, कैंसर डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है, आरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और एप्लीकेशन क्या है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वैलिडेशन ऑफ डीएनए माइक्रोएरे रिजल्ट, वेरिएशन एनालिसिस इंक्लूडिंग एसएनपी डिस्कवरी एंड वैलिडेशन, काउंटिंग बैक्टीरिया वायरल और फंगल लोड्स। तो बैक्टीरिया वायरल फंगल लोड्स को काउंट करने में काम आती है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड, आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, व्हाट इज आरटीपीसीआर, और स्टेप वन एंड स्टेप टू पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के सारे स्टेप्स बताए, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, किस तरह के एंजाइम से काम में होती हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम काम में ले रहे हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में ले रहे हैं, लाइसिस बफर्स काम में ले रहे हैं, तो सिंथेसिस डीएनए की, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से डीएनए बनाना इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो दीज आर द थिंग्स क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इन अ नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द जीन थेरेपी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ।